वैसे अजमल भाई, मसले का हल निकला नहीं और नौटंकी अलग शुरू हो गई। हाँ, मुझे अंदाजा नहीं था। बड़े तेज हैं, आसानी से काबू में आने वाले नहीं। अजमल भाई, मुझे तो ये डर है कहीं मकान पर कब्जा ना कर लें। ओ नहीं, खैर, इतना दम नहीं है उन तड़कों में। हाँ, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अजमल भाई, आइडिया, लोहे को लोहा काटता है। मैं प्रीति को इनके पीछे ऐसा लगाऊंगा कि इनकी जिंदगी अजाब कर देगा। ओहो, क्या हो गया? ये अपना गुल्लू वाले का माल खराब किया हुआ है। ना, अब क्या कर दिया उन्होंने? भाभी, आप तो वैसे ही उनकी हमदर्द हो। बाज आ जाओ अजमल अली, अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। ना क्या बिगाड़ा उन्होंने तुम्हारा? ओए बद्दुआएं, ना ले लेना उनकी। वो अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। ओहो भाई, एक तो मुझे इस ड्रामे की नहीं समझ आती कि ये इनको कुछ कहो ना, इनको डांटो ना, इसकी बद्दुआ ना लो। और मेरी बात सुनो, वो बेइज्जती और बेहयाई के तनों पे उतर आए तो मैं इस लाई कमेटी का मेंबर होके आंखें बंद किस तरह रख सकता हूँ? है हाँ, तो पहले अपनी दुरुस्ती तो कर लो। वो एक आंख से देखो ना सबको। वो अकील साहब की जो बेटी है, वो छोटे छोटे कपड़े पहन के ना रसालों में छपती है तो मॉडल कहलाती है, और गरीब हिजड़ा ना स्टेज पे चार ठुमके लगा ले तो बेहयाई हो गई। बस रहने दो, बड़ा सुधार रहे हो लोगों को। बड़े आए हाय अम्मा, जरा रुकना। कितने प्यारे बकरे हैं, बेला देख, है ना? ए भाई, कितने के लिए? बेरे, तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे सारे ले लेंगे। बड़े दांत निकल रहे हैं तेरे, पत्ती सी निकाल के हाथ में रख दूंगी। तो तुम्हें देख के रोऊं क्या? हंसने की चीज है तो हंसूंगा ना। क्या मसला क्या है? बेला बेला, झगड़ा ना कर। इस बार कुर्बानी का गोश्त मांग रहे हैं ना, एक बोटी भी नहीं देंगे, समझे? अबे चल चल, तू ही है ना देने वाला? बड़ा आया गोश्त का ठेकेदार बनके। चलो चलो, क्या तमाशा लगाया? बेला, तू सुनती क्यों नहीं? चल। माँ ताना देता है, इस बार हम इसकी भीख का गोश्त नहीं चाहिए, हम खुद कुर्बानी करेंगे अपना जानवर, ठीक है ना माँ? क्या जमाना आ गया, अब ये भी कुर्बानी करेंगे? अबे ये तो कुर्बानी करते ही नहीं। पता नहीं, कभी देखा तो नहीं है। अरे इनकी कबूल कब होती है? आज तक किसी खदड़े को कुर्बानी करते ना देखा ना सुना। वैसे भी तो कुर्बानी हलाल की कमाई से की जाती है, है ना? चलो चलो, प्यारा चलगा, चलो। नरगिस, मेरी शहजादी, तेरे हाथ के पक्के में इतना जायका है, दिल करता है चूम लूं। खैर जाओ, जरा हाथ धो लूं पहले। अच्छा, बे कड़क सी चाय पिला दे, शाबाश। अच्छा अम्मा, हम कुर्बानी क्यों नहीं करते? क्या हम मुसलमान नहीं? ऐ अकल को हाथ मार, हम सब मुसलमान हैं, पागलों वाली बातें नहीं किया कर। हाँ। ना तो माँ का जला क्या कह के गया कि हमारी कीवी कबूल नहीं होगी। अरे उसे कैसे पता चला? अरे तू क्यों दिल पे लेती है? लोग तो ना जाने क्या क्या बातें कहते हैं, अब क्या इन सारी बातों को पीटें? और वैसे भी इस पापी पेट की मार सारे मजहब भुला देती है। हाँ, इसीलिए तो रोजा नमाज नहीं करते कि कबूल ही नहीं होगा। हाँ, ये फतवा कहाँ से? फिर माँ क्यों पढ़ती है चंपा? अरे सुन, मैं चक्कर वक्कर में नहीं पढ़ती। मेरी नमाज जो है ना, उस जात का शुक्राना है जिसने हमें पैदा किया और भूखा नहीं सुलाता। मेरी सुन लो, अब हम घर घर जाके गोश्त नहीं मांगा करेंगे, अपना जानवर खुद करेंगे, बड़ा जानवर। बस जरा मंडी तक चले जाना, बड़े जानवर की कीमत पूछ आना। बस कुर्बानी का बुखार ना उतर जाए तो कहना बढ़िया है, कुर्बानी करेगी। हम कुर्बानी क्यों नहीं करते? अधूरे इंसानों का दीन तो अधूरा नहीं होता ना। वो तो सबका मालिक है, हक तो सबका बराबर होता है। इस नाइंसाफी की उससे उम्मीद नहीं। माँ, किसी मौलवी से पूछ लो। अरे क्या पूछूं, कि हमको इंसान क्यों नहीं समझते जग वाले? मेरा ये मतलब थोड़ी था माँ। आपा का कहना है कि मजहब हमारे बारे में क्या कहता है। ठीक है,
कल पता करती हूँ मौलवी साहब से, ताकि इसके कलेजे की आग को ठंड पड़ जाए। मोती बेटा, तू जरा साथ चल लेना, पढ़ा लिखा है ना, तू जरा समझ लेगा। पता है मुझे, ज्यादा सियाना बनने की जरूरत नहीं है, समझी? अब सो जाओ, बत्तियां गुल करो। अरे चल। आमा ठहर, कहा था बाम लगा लियो घुटनों पे। क्या बात है गुल्लू? मल साहब वो एक मसला था वो उससे। गुल्लू, दीन में मसले हल किए जाते हैं, बढ़ाए नहीं जाते। खुलकर कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं तो पता नहीं कुछ कह सकूं ना कह सकूं। मोती अब तू बात कर। मौलवी साहब, दीन में हमारी क्या हैसियत है? बेशक तुम भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की पैदा करदा जिन्स हो, जो कलमा को हो और शरीयत को मानता हो, उस पर दीनी फराइज और वाजबात यकसा हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मर्द हो, औरत हो या मुखन्निस, यानी तुम लोग। इसका मतलब है मौलवी साहब, हम कुर्बानी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, मगर रिस्के हलाल से। ये नाच गाने की कमाई की ममानियत है, मना है। और इस सिलसिले में बेहतर ये होगा कि कर्ज न लिया जाए और कसदन इस नीयत से भीख न मांगी जाए। मुझे एक हदीस मुबारक याद आ गई है। हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अनु से रवायत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बरोज़ ईद दूसरी चीज़ों पर खर्च करने से अगर तुम कुर्बानी पर खर्च करोगे तो वो अल्लाह के नज़दीक बहुत अफजल है। मरे साहब ये काम हम मजबूरी से करते हैं, वरना पेट की आग कैसे बुझाएं? मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ। इस माशरे को तुम्हें ये हक देना होगा, अल्लाह बेहतर करेगा। जहाँ तक मांगने का ताल्लुक है तो बहालत मजबूरी इस्लाम में इसकी गुंजाइश मौजूद है, लेकिन हाथ फैलाने की आदत जरूरत से बढ़कर हवस बन जाए तो लानत कहलाती है। हम कैसे जिंदा लोग हैं मौलवी साहब? हम कौन हैं? हम क्या हैं? क्या हमारे खून का रंग काला है? हम भी इंसान हैं मौलवी साहब। ये हकीकत है, इस माशरे को अपनी सोच तब्दील करनी होगी। इंसान